विश्वसनीयता का प्रतीक बुढ़ामल ज्वेलर पालमपुर। महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत ग्रुप के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी को एबीवीपी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दिया है और घटना का विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को बदले की भावना से की गई कार्यवाही बताया। एबीवीपी के प्रांत महामंत्री राहुल राणा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर हमला किया है क्योंकि सरकार अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहती है, इसलिए मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मीडिया को चौथा स्तंभ जहां माना जाता है और इस देश में जहां सरकार तानाशाही पर उतर चुकी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जहां लोगों के पास है, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है मीडिया के द्वारा तो उन लोगों को अंदर डाल दिया जाता है। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या आज महाराष्ट्र में की जा रही है, किस तरह से जो सच सामने रखने वाले लोग हैं उन लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, जिसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है पूरे देश भर में। इस अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या, जिसे मैं कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में कर रही है, और विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि जल्द से जल्द, हमारी मांग भी है कि जल्द से जल्द जो है वो ऐसे लोगों को जहाँ आप जेल के अंदर डालने का काम कर रहे हैं, जो सच का हमारे बीच रखने का काम करते हैं, उन लोगों को अंदर डालना कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। इसलिए इस लोकतंत्र के हमलों को हम लोग नहीं सहेंगे और विरोध प्रदर्शन, विद्यार्थी परिषद, ऐसे अगर लोकतंत्र पर हमले किए जाएंगे तो इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेगा। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।